51 माइक्रोन के कैरी बैग इस्तेमाल करने और उसे बेचने की मांग को लेकर गोरखपुर प्लास्टिक प्रोडक्ट एसोसिएशन के सदस्यों ने मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मांग संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। गोरखपुर प्लास्टिक प्रोडक्ट एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के अनुसार व्यापारी 51 माइक्रोन के कैरी बैग का इस्तेमाल और इसे बेचा जा सकता है, लेकिन किसी कारणवश जिला प्रशासन उन्हें ऐसा नहीं करने दे रही है, जिसके कारण व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए गोरखपुर प्लास्टिक प्रोडक्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन टेबरीवाल ने कहा, मैं पवन टिबड़वाल, अध्यक्ष गोरखपुर प्लास्टिक प्रोडक्शन। हम लोग गोरखपुर प्लास्टिक प्रोडक्शन की तरफ से हैं। हम लोगों की प्रमुख मांग ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें 15 जुलाई से 51 माइक्रॉन से नीचे के प्लास्टिक बेचने से मना किया, जिसका हम समर्थन करते हैं और संकल्प लेते हैं कि आगे से हम 50 माइक्रॉन से नीचे के प्लास्टिक नहीं बेचेंगे। परंतु इसी शासनादेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें 51 माइक्रॉन और उससे ऊपर के प्लास्टिक बेचने के लिए अनुमति दी, जिसका हम स्वागत करते हैं। हमने उत्तर प्रदेश सरकार के मानक के हिसाब से 51 माइक्रॉन से ऊपर के प्लास्टिक कैरी बैग, पैकिंग मटेरियल, नॉन वुवन फैब्रिक बैग आयात किया, 18% GST दिया है, उससे मंगा करके मानक के अनुसार बेच रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन नगर प्रशासन द्वारा यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग बंद कर दिए, जो कि पूर्णतः गलत है। हमारी जिलाधिकारी से महोदय से ये मांग है कि नगर प्रशासन द्वारा जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, इसे प्रेस में दे करके आम जनता के बीच में इसको दूर किया जाए और सरकार के मानक के हिसाब से जो भी व्यापारी माल बेच रहा है उसको उसका उत्पीड़न न किया जाए, उनके यहाँ से जबरन माल न उठाया जाए, उनको जुर्माना न किया जाए। इधर लगातार 10 दिनों से यही हो रहा है कि सरकार के मानक के हिसाब से हम लोग जो माल बेच रहे हैं उसे ज़बरदस्ती दुकान उठा लिया जा रहा है और उसको जुर्माना ले लिया जा रहा है, जो कि पूर्णतः न्याय विरुद्ध है। एकदम ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ये नहीं रुका तो हमारे पूरे प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये आप ज्ञापन में हमने माननीय जिलाधिकारी को ये भी लिखा है कि अगर ये इनका जो फरमान ये नहीं रुका नगर में, तो हम लोग इसकी शिकायत ऊपर माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से भी करेंगे। विरोध में धरना प्रदर्शन जितने भी विरोध प्रदर्शन हो सकते हैं सब करेंगे।